हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज होपमैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है कलर ग्रेडिंग के ऊपर। मैं बताने वाला हूँ एक ट्रेंडिंग कलर ग्रेडिंग के बारे में, जिससे कि हम अपने वीडियो में अमेजिंग लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, हम कुछ उस तरह के कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे हम अपने वीडियो के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करके डिफरेंट टाइप के कलर को ऐड कर सकते हैं, जो देखने के लिए बहुत ही अमेजिंग लगता है। और इसे हम ट्राई करने वाले हैं किनेमास्टर में। तो अगर आपको इस तरह कलर ग्रेडिंग सीखना है तो ये वीडियो को पूरा देखना, और साथ में अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, और अगर आप नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं हम एडिटिंग की ओर, पर उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। तो अभी हम आ गए हैं किनेमास्टर में। तो सबसे पहले क्रिएट नाउ पे जाना, 16:9 रेशियो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर किनेमास्टर का मीडिया ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अपना वीडियो है उसे इंपोर्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर 3 वीडियो इंपोर्ट कर ले वाला हूँ। तो अभी मेरा 3 वीडियो इंपोर्ट हो गया है, जिसे हम कलर ग्रेड करने वाले हैं। तो सिंपली टाइमलाइन के स्टार्टिंग में आना, लेयर में जाना, इफेक्ट में जाना, इसके बाद किनेमास्टर स्टोर में जाना। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कलर का, उसमें जाना। इसके बाद यहाँ पर जो इफेक्ट है कलर चेंजर, उसको सिलेक्ट करके उसे इंस्टॉल कर लेना। इतना होने के बाद यहाँ से बैग आना, और जो हमारा कलर चेंजर है उसके अंदर जाना, और जो हमारा इफेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना। इतना होने के बाद इसे कुछ इस तरह फुल स्क्रीन करके ओके कर देना। इसके बाद इस इफेक्ट का ड्यूरेशन को कुछ इस तरह इंक्रीज कर लेना। इतना होने के बाद ऊपर एक सेटिंग का आइकन है, उसमें जाना। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कलर, उसमें जाना, और यहाँ पर ग्रीन को सिलेक्ट करके ओके कर देना। इसके नीचे और एक ऑप्शन है कलर ऑफसेट का, तो इसका वैल्यू को 70 या 75 के बीच में रखना। उसके नीचे और एक ऑप्शन मिलेगा ह्यू का, तो इस स्लाइडर के मदद से हम अपने वीडियो के बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसे आगे या पीछे ड्रैग करेंगे तो हमारे जो वीडियो के बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो जाएगा। इतना होने के बाद सिंपली ओके करना। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा सभी वीडियो के बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम चाहें कि हमारे जो सभी वीडियो है उन सभी वीडियो के बैकग्राउंड का कलर अलग अलग रहे, तो इसके लिए सिंपली जो सेकंड वीडियो है उसको सिलेक्ट करना, और उसके स्टार्टिंग में आना। इसके बाद जो इफेक्ट है उसको सिलेक्ट करना, ट्रिम एंड स्प्लिट वाले ऑप्शन में जाना, और यहाँ पर जो स्प्लिट एंड प्लेहेड है उसको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद ओके करना। इसके बाद जो हमारा थर्ड वीडियो है उसको भी सिलेक्ट करना, इसके बाद इफेक्ट को सिलेक्ट करना, और यहाँ पर जो ट्रिम एंड स्प्लिट वाले ऑप्शन है उसमें जाना, और स्प्लिट एंड प्लेहेड को सिलेक्ट करके ओके करना। इतना होने के बाद जो हमारा जो सेकंड इफेक्ट है उसको सिलेक्ट करना, सेटिंग में जाना, और यहाँ पर ह्यू को कुछ इस तरह चेंज करके हमारे जो कलर का चेंज कर देना। इतना होने के बाद ओके कर देना। इसके बाद हमारा जो थर्ड इफेक्ट है उसको भी सिलेक्ट करना, सेटिंग में जाना, और ह्यू की मदद से इसका भी कलर को चेंज कर लेना कुछ इस तरह। इतना होने के बाद ओके कर देना। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा सभी वीडियो के बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, और सभी वीडियो के बैकग्राउंड कलर एक दूसरे से अलग अलग है। तो इस तरह से हम अपने किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करके हमारे जो वीडियो को एक यूनिक तरह से कलर ग्रेड कर सकते हैं, जो देखने के लिए बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो अभी हम देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर फाइनल आउटपुट। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, और अगर आप नए चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।